हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फूड्स लाइफ। मैं हूँ उमारावत और आज हम बात करने वाले हैं हरे वाले चने की। हरे वाले चने यानी कि छोलियाँ या फिर बूट भी बोलते हैं इन्हें। सर्दियों के मौसम में ये आने स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट में। इनको खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इनको खाने से हमारे स्किन, हमारे हेयर्स अच्छे होते हैं। इसे खाने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है। हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी ये काफी अच्छा है। और अगर आपका वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है तो आप इसे खाकर अपना वजन भी कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। ये सब्जी हम कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। तो 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म होने देंगे। 2 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 1 तेज पत्ता डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। अब हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम प्याज को मैंने प्योरे बना ली है। भूनेंगे इसे। अब हम हींग डाल देंगे। 2 पिंच हमने हींग ऐड की है यहाँ पर। 1 बड़ा चम्मच रेड कश्मीरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच एवरेस्ट का मीट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम भून लेंगे तेल सेपरेट होने तक। गैस फ्लेम एकदम सिम कर देंगे। अब हम इसको ढककर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगेन चेक करेंगे। अब हम इसमें टोमेटो प्योरे डाल देंगे। 2 मीडियम टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद ऐड किया है। अब हम इसे थोड़ा सा ढककर पकाएंगे, इससे ये जल्दी कुक होगा और तेल सेपरेट हो जाएगा। आंच हमारी एकदम सिम रहेगी यहाँ पर। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। मसाले अच्छे से भून चुके थे। मसाले अच्छे से भून जाने के बाद ही हम इसमें चने ऐड करेंगे। अब इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 छोटा चम्मच और अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने यहाँ पर 2 ग्लास के करीब डालना है क्योंकि चने पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 6 से 7 सीटियां आने तक मीडियम टू लो फ्लेम में हम इन्हें कुक करेंगे। चने हमारे पक चुके हैं, प्रेशर निकल चुका है, चने देख लेते हैं। ये देखें हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है, गाढ़ी ग्रेवी वाली चने की सब्जी। अब हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर, हरी धनिया काट कर डालेंगे और सर्व करेंगे। आप इन्हें गर्मा गर्म राइस या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। देखा ना आपने कितनी इजी थी ये रेसिपी, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, बनाकर खाएं। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।